Hello students and welcome back. My name is Swaraj and today we are going to discuss syllabus for the mains of state services, and it is a revised syllabus which was revised in 2016. So prelims ka syllabus to hum logo ne dekh hi liya hai, to uske baad mains ka syllabus dekhte hai. So mains ka syllabus basically mains mein tumko 6 paper hote hai, usme se starting ke jo पेपर वन एंड पेपर टू है वो लैंग्वेज के पेपर होते हैं जिसमें मराठी और इंग्लिश लैंग्वेज होती है कंपलसरी, और बचे हुए जो 4 पेपर्स होते हैं वो जीएस के पेपर होते हैं जनरल स्टडीज. सो 6 पेपर्स आर कंपलसरी फॉर यू एंड इन 6 पेपर का जो टोटल मार्क्स है वो है 800 एंड उसके बाद तुम्हारा इंटरव्यू होता है जिसको 100 मार्क्स दिए जाते हैं. तो जो पूरा कट ऑफ है ये 900 मार्क्स से ही तुम्हारा आता है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल सी. तो देखना ये पेपर वन है तुम्हारा जो 2 पार्ट में डिवाइड होता है मराठी एंड इंग्लिश, और ये जो पेपर टू है इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है मराठी एंड इंग्लिश. तो ये ग्रामर का पेपर है. जो ये पेपर वन है ये तुम्हारा सब्जेक्टिव पेपर होता है, मतलब इसमें तुमको ऐसे लिखना होता है, और ये जो पेपर टू है ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव पेपर होता है. बेसिकली इसमें तुम्हारा बेसिक ग्रामर होता है, ईडीएम्स और ये सब. ठीक है, पेपर वन के दोनों पार्ट अगर देखोगे मराठी पार्ट को 50 मार्क्स है, इंग्लिश पार्ट को भी 50 मार्क्स है. तो मतलब पेपर वन जो है ये 100 मार्क्स का है और पेपर टू जो है ये 100 मार्क्स का है. पेपर वन का जो लेवल है ये 12th स्टैंडर्ड का लेवल आता है, एंड पेपर टू का जो लेवल है वो डिग्री लेवल का होता है. ठीक है, आस्किंग मोड देखना, अगर लैंग्वेज पेपर है ऑफकोर्स मराठी का जो लैंग्वेज होगा वो मराठी में पूछेंगे, एंड इंग्लिश जो है वो इंग्लिश में पूछेंगे. इसको नंबर ऑफ आवर्स एलोकेटेड है पेपर वन को 3 आवर्स, एंड पेपर टू को नंबर ऑफ आवर्स एलोकेटेड है 1 आवर. देन मूविंग फर्दर वी हैव पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, और इट इज ऑल्सो नोन एज जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 एंड जीएस 4. तो ये जो जीएस 1 और सारे जो जीएस है ये टोटल 150 मार्क्स का है, एंड इसमें 150 क्वेश्चंस आते हैं. इनका जो लेवल है इट इज डिग्री, मोड ऑफ आस्किंग इट इज मराठी एंड इंग्लिश, नंबर ऑफ आवर्स अलोकेटेड इज 2 आवर्स. तो ये चारों पेपर का पैटर्न एंटायरली सेम है. अगर हम जीएस 1 की बात करेंगे वहां पे हिस्ट्री और ज्योग्राफी के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जीएस 2 में तुमको पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड आते हैं, जीएस 3 में इकोनॉमिक्स सॉरी एचआरडी के बारे में आता है, एंड जीएस 4 में इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी. सो इसे और डीप में देखते हैं हम लोग. ठीक है, सो ये पेपर वन है. पेपर वन को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, भाग 1 एंड भाग 2, मींस पार्ट 1 एंड पार्ट 2. तो पार्ट 1 मराठी है, इसके लिए 50 मार्क्स है. तो यहाँ पे देखना निबंध लेखन मतलब ऐसे भाषांतर. ठीक है, फिर बाद में वैसे पार्ट 2 में इंग्लिश है, तो वहां पे भी तुमको ऐसे राइटिंग है, ट्रांसलेशन है, प्रिसाइज राइटिंग है. तो पेपर वन जो है बेसिकली ये तुम्हारा सब्जेक्टिव है. ठीक है, पेपर वन जो है वो तुम्हारा सब्जेक्टिव है, एंड पेपर टू जो है तुम्हारा वो ऑब्जेक्टिव है. तो यहाँ पे मराठी एंड इंग्लिश वापस 2 पार्ट में डिवाइड किया है, तो मराठी में भी व्याकरण आता है, व्याकरण मतलब ग्रामर, एंड इंग्लिश का में भी ग्रामर आता है जैसे ईडीएम्स फ्रेजेस, तो वही सेम रेप्लीकेट होता है मराठी में. तो ये पेपर टू भी 100 मार्क्स का होता है. सो पेपर वन 100 मार्क्स, पेपर टू 100 मार्क्स. ठीक है, पेपर वन हमारा सब्जेक्टिव आता है लैंग्वेज बेस्ड के ऊपर, एंड पेपर टू हमारा ऑब्जेक्टिव आता है लैंग्वेज बेस्ड के ऊपर. सो मूविंग टुवर्ड्स पेपर 3, दैट इज योर जनरल स्टडीज 1. सो पहला पेपर आता है हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, जनरल स्टडीज 1 जिसको बोलते हैं. तो स्टैंडर्ड देखना, इसका लेवल देखना, डिग्री होता है, टोटल मार्क्स 150, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, एंड ड्यूरेशन है 2 आवर्स. ठीक है, तो यहाँ पे देखना मैंने यहाँ पे इन्होंने नोट लिखा है, आई मीन नोट पढ़ता हूँ आपके लिए. द नेचर एंड स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन इन द पेपर विल बी सच दैट अ वेल एजुकेटेड पर्सन will be able to answer without any specialized study. तो हमको specialized study नहीं चाहिए, तो हमको बस एक basic study चाहिए इन सारे subjects के ऊपर. And its intention is to test candidates' general awareness of a variety of subject. ठीक है, it is expected from candidates to study latest and recent developments. ठीक है, हमको latest and recent developments के बारे में भी पढ़ना है. तो देखते हैं हिस्ट्री का पेपर, हिस्ट्री का सिलेबस. तो हिस्ट्री में देखना, अभी प्रीलिम्स में हम लोगों ने देखा था कि
वहाँ पे एंशंट हिस्ट्री भी था, मेडिवल हिस्ट्री भी था एंड मॉडर्न हिस्ट्री भी था। बट अगर आप सिलेबस कॉपी ठीक से देखोगे तो मेंस में जो है वो सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो एंशंट हिस्ट्री एंड मेडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन सिर्फ प्रीलिम्स में पूछते हैं। सो देखना जो पार्ट फर्स्ट पार्ट है उसका, फर्स्ट सेक्शन है दैट इज हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया विद रिस्पेक्ट टू महाराष्ट्र। तो हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया जो है 1818 से लेके 1857 तक। 1818 इसलिए ये डेट लिया है क्योंकि यही टाइम पे पेशवाज ने सरेंडर कर दिया था, तो वहां से ब्रिटिश डोमिनेंस महाराष्ट्र में आ गया। सो हमको पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, प्रेस, रेलवेज, पोस्ट, मतलब इन सब चीजों का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, लैंड रिफॉर्म्स, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स, तो ये सारे इधर पढ़ने हैं। ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स कैसे हुए, तो ब्रिटिशर्स ने कौन से लैंड रिफॉर्म्स किए थे वो भी हमको पढ़ने हैं। देन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, तो ब्रिटिशर्स के जो वॉर्स है अलग अलग मेजर इंडियन पावर्स के साथ, मेजर इंडियन कंट्रीज के साथ, जैसे एंग्लो फ्रेंच वॉर, फिर बाद में एंग्लो मैसूर वॉर, बाद में एंग्लो मराठा वॉर्स, तो ये सारे तुमको उधर वॉर्स पढ़ने हैं। फिर बाद में सोशल कल्चरल चेंजेस, जहाँ पे तुम्हारे बड़े बड़े नाम है जैसे राजा राम मोहन राय, ठीक है, उनके समाज के बारे में, जैसे ब्रह्मो समाज, ठीक है, प्रार्थना समाज, ज्योतिबा फुले का सत्यशोधक समाज, आर्या समाज, तो ये सब तुमको यहाँ पे पढ़ना है। फिर बेसिकली एजुकेशन के बारे में पढ़ना है कि एजुकेशन डेवलप कैसे हुआ ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स टाइम, डेवलपमेंट ऑफ प्रेस, कि प्रेस डेवलप कैसे हुआ, तो ये सारा चीजें यहाँ पे हमको पढ़ना है। बाद में सोशल एंड इकोनॉमिक अवेकनिंग में देखना, रिवॉल्ट ऑफ 1857 तुमको पढ़ना है, यहाँ से कंपलसरी एक क्वेश्चन आता ही है। देन इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फेस हमको पता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कहाँ से कब एस्टेब्लिश हुई थी, 1885 टू 19 और आजादी कब मिली 1947, तो ये पूरा फेज हमको पढ़ना है। फिर बाद में एमर्जेंस एंड ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, तो इसमें हम लोग पूरा स्वदेशी मूवमेंट देखेंगे, ठीक है, मिलिटेंट नेशनलिज्म देखेंगे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट देखेंगे। फिर बाद में गांधी एंटर होते हैं हमारे नेशनल फेज में, तो गांधी जी का पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इंडिविजुअल सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, और उनके रिलेटेड जो डेवलपमेंट है उनके साथ साथ वो भी हमको यहाँ पे पढ़ने हैं। फिर उसके बाद इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस हमको देखना है, ठीक है, तो इंडिया का रोल क्या था, इंडिया ने क्या डेवलपमेंट किया, ठीक है। फिर नॉन अलाइनमेंट पॉलिसीज, संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट, ठीक है, तो ये संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट कब शुरू हुआ था, कैसे शुरू हुआ था, तो ये सब देखना पड़ेगा। कोलिशन गवर्नमेंट इन स्टेट्स, ठीक है, थोड़ा पॉलिटी का पार्ट यहाँ पे आ जाता है। जयप्रकाश नारायण एंड इमरजेंसी, तो ये पॉलिटी का पार्ट आ गया, इमरजेंसी 1975 में आया था, तो ये हमको पता होना चाहिए। तो टेररिज्म इन पंजाब, वो भी देखना पड़ेगा हमको, ऑपरेशन ब्लू स्टार वहां पे हुआ था। देन सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ महाराष्ट्र के बारे में तुमको पढ़ना है, जैसे कि गोपाल गणेश आगरकर, महात्मा फुले, एम जी रानाडे, ठीक है, ये सारे लिए यहाँ पे, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, तो इन सब के बारे में तुमको पढ़ना है। विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है, देन विनायक दामोदर सावरकर रिसेंटली न्यूज पे था, इन करंट अफेयर्स में मैंने बताया भी था कि कर्नाटक में कोई ब्रिज उनके नाम से आने वाला है, तो बेसिकली लोगों का डिस्प्यूट है कि उनके नाम से नहीं होना चाहिए। सो बेसिकली देखना वो उस ब्रिज का नाम क्या है, तो वो क्वेश्चन आ सकता है। देन कल्चरल हेरिटेज ऑफ महाराष्ट्र हमको देखना है, जहाँ पे आर्ट्स, देन योर लिटरेचर, फोक, ये सब तुमको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। देन मूविंग फर्दर ज्योग्राफी आता है, तो ज्योग्राफी जो है आपको फिजिकल ज्योग्राफी पढ़नी है, उसमें आपको देखना आएगा इंटीरियर ऑफ द अर्थ, कंपोजिशन एंड फिजिकल कंडीशंस। फिर इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़नी है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, इम्पोर्टेंस एंड डेवलपमेंट इन महाराष्ट्र, टूरिज्म सेक्टर इन महाराष्ट्र, तो ये तुम्हारा इकोनॉमिक सर्वे में आएगा। ह्यूमन एंड सोशल ज्योग्राफी तुमको पढ़नी है, जैसे माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट्स, एनवायरमेंटल इशूज, देन एनवायरमेंटल ज्योग्राफी तुमको पढ़नी है, रोल ऑफ CO2 एंड मिथेन, तो इस तरह के तुमको यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे। देन पॉपुलेशन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना है, जैसे कॉजेज एंड कंसिक्वेंस ऑफ माइग्रेशन, ठीक है, कि लोग माइग्रेट क्यों करते हैं, रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट, टाइप, साइज, स्पेसिंग, अर्बनाइजेशन, प्रोसेस एंड प्रॉब्लम्स, अर्बनाइजेशन कैसे हुआ, उसकी प्रोसेस क्या है, अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम्स क्या है, रिमोट सेंसिंग, जैसे इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, ठीक है, तो इन सैटेलाइट्स के बारे में तुमको पढ़ना है। फिर बाद में ज्योग्राफी एंड एग्रीकल्चर,
एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी से बेसिकली बोलते हैं। तो इसमें आपको पढ़ना है एग्रो इकोलॉजी, क्लाइमेट के बारे में तुमको पढ़ना है पूरा, कंपोजिशन स्ट्रक्चर, सोलर रेडिएशन, हीट बजट, मॉनसून, ठीक है। तो ये सब चीजें यहाँ पे तुमको पढ़नी है। सॉइल, बाद में सॉइल फॉर्मेशन, फिजिकल कंपोजिशन, बायोलॉजिकल कंपोजिशन, फैक्टर इफेक्टिंग सॉइल, सॉइल के इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स कितने, कौन सॉइल के वेजिटेशंस देखना है हमें, फिर बाद में कौन से क्रॉप को कौन सा सॉइल लगता है वो देखना है, महाराष्ट्र के बारे में भी देखना है, इंडिया के बारे में भी देखना है। फिर बाद में वाटर मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट इज द बिगेस्ट इशू टुडे, सो वाटर मैनेजमेंट के मेथड्स, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन, वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, बेतवा के लिवर अभी इंटरलिंक हो रही है तो उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो ये भी तुमको पूछ सकते हैं, इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट ऑन सॉइल एंड वाटर, तो ये सब तुमको GS1 में पढ़ना है। सो बेसिकली आज के लिए इतना ही, अभी आने वाले लेक्चर में हम लोग GS2, GS3 एंड GS4 के बारे में पढ़ेंगे। होप यू हैव अंडरस्टूड द सेशन, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट बिलो, थैंक यू।